नमस्ते दोस्तों, आपका आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी के कृपा से आप सभी लोग सही सलामत होंगे। हमें इस बात को सुनकर बहुत कष्ट हुई कि आज फिर एक बार भगवान जगन्नाथ जी के साथ माता सुभद्रा और भगवान बलदेव जी और भगवान सुदर्शन जी का महास्नान विधि हुआ है। क्या आपको ये बात पता है कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर श्री मंदिर के अंदर महास्नान विधि क्यों की जाती है? जब भी मंदिर के अंदर ब्लड स्टेन अर्थात रक्त छींटा देखने को मिलता है तभी चतुर्धा मूर्ति का महास्नान विधि की जाती है और ये परंपरा कब से चली आ रही है। ये परंपरा श्री मंदिर की शुद्धता के बारे में बताता है। आज से कुछ दिनों पहले श्री मंदिर के अंदर कुछ सेवायत लोगों के बीच हाथापाई हो गई थी और जिसके फलस्वरूप दूसरे दिन ये दिखने को मिला था कि रत्न बेदी के पास जहां भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं विराजमान करते हैं उसी के पास ही ब्लड स्टेन अर्थात रक्त छींटा दिखने को मिला था और उसी समय भी भगवान जी का महास्नान विधि की जा चुकी है। क्या आप लोगों को ये बात पता है कि श्री मंदिर के अंदर बार बार ऐसा घटनाएं क्यों हो रहा है? इसमें भगवान जगन्नाथ हमें क्या सूचना दे रहे हैं और भगवान जगन्नाथ अपने भक्त लोगों को क्या सूचना दे रहे हैं? मालिका में ये बात लिखी गई है, जब तुम्हें ये संकेत बार बार देखने को मिल जाए तभी तुम ये समझ जाना कि भगवान वहाँ पर नहीं है और भगवान नर शरीर में जन्म ग्रहण कर चुके हैं। ये कौन सा घटना होगा जो कि बार बार रिपीट होगा? जैसे कि श्री मंदिर से पत्थर गिरेगा वो एक या दो बार नहीं होगा, ये बार बार होगा। और जो पहला पत्थर गिरेगा वो औड़ा बेढ़ा से ही गिरेगा, इसके बारे में मालिका में उल्लेख की है। और एक घटना होगा जिसे कि महापुरुष कहा है, भगवान जी का जो कल्पवट वृक्ष है उसका छेदन होगा, उसका एक ब्रांच छेदन होगा। और 2019 में जब फन्नी वात्या हुआ था तभी कल्पवट का छेदन हुआ था। ये बात बहुत ही मतलब बड़ा संकेत देता है कि तुम भक्त लोग अभी सुधर जाओ। आने वाला समय बहुत ही दुखदायक और कष्टदायक है। जो म्लेच्छ लोग वो इसे कभी समझ नहीं पाएंगे, वो ऐसे ही उन लोगों का जान चला जाएगा लेकिन वो ये बात को समझ नहीं पाएंगे, इसे वो थट्टा परिहास करेंगे। श्री मंदिर के ऊपर बार बार गिद्ध पक्षी बैठेगा, जिसे हम एक अपसूचक पक्षी मानते हैं, वो बार बार आकर नील चक्र के ऊपर बैठेगा और ये संकेत देगा कि यहाँ अभी श्मशान होने वाला है, इसलिए आकर वो नील चक्र के ऊपर बैठ जाएगा। फिर दूसरा एक संकेत जो है वो आकाश का रंग एकदम रेड हो जाएगा, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हुआ था। अगर आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो पूरी में आकाश बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया था और जिससे बहुत कुछ लोग बहुत कुछ ओपिनियन दिए हैं और इसके बारे में मालिका में लिखा गया है। और एक चीज़ होगा, नील चक्र वक्र हो जाएगा और ये बात भी हो चुका है जब 2019 में फनी महावात्या हुआ था, इसमें नील चक्र कुछ हिस्सा वक्र हो गया था, मतलब बेंड हो गया था। आने वाले समय में ऐसे घटनाएं, ऐसे बहुत सारे घटनाएं दोबारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे भगवान अपने भक्त को चेतावनी देना चाहते हैं और दुनिया के लोगों को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम लोग अभी सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला समय तुम्हारे लिए दुखदायक हो सकता है। लेकिन हम लोग इसे भगवान श्री जगन्नाथ जी के संकेत को समझ नहीं पाते और बहुत तरह तरह की बात करते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मंदिर के अंदर जो रोष घर है वहाँ भी कुछ तोड़फोड़ हुआ था और महापुरुष ये बात भी कही है कि आने वाले समय में श्री मंदिर के अंदर रक्तपात होगा, अर्थात शायद बहुत संख्या में लोगों का मृत्यु होगा और ऐसा कुछ घटना होगा जो कि इतिहास को संपूर्ण रूप में परिवर्तन कर देगा। जगन्नाथ मंदिर को मर्त्य वैकुंठ कहा गया है, अर्थात जो कुछ भी इस धरती पे होगा वो पहला जगन्नाथ मंदिर में होगा, उसका संकेत मिलेगा, जिससे कि हम विश्ववासी, हम देशवासी इसे देखकर समझ जाएं कि विश्व में कुछ ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम बस इतना ही कहना चाहते हैं। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।